अम्मी आप यकीन करें, मैंने ये रिश्ता बहुत मोहब्बत, खुलूस और नेक नियति से करवाया था। अगर मेरी नियत में जरा सा भी खोट हो, अल्लाह पाक मुझे जरूर दिखाएगा। देख लिया अम्मी आपने, अब इतनी बड़ी बात कर दी है शीरी ने, अब इसे माफ कर दें। और अपनी बेटी से कहिए कि अपना घर बसाने की कोशिश करे, ना कि उजाड़ने की। ऊपर आके बैठो, हाथ पूछे। ये सब क्या है फूफो? खूबसूरत लग रहा है ना कमरा, बिल्कुल नया। सोनिया की अम्मी आई थी, तुम दोनों का शादी का तोहफा है, अपने सामने सब कुछ रखवाया है। अच्छा लग रहा है मुझे तो। अच्छा तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने बिरयानी बनाई है। हाँ सोनिया बेटा जल्दी से आ जाना बिरयानी। जी यकीनन तुमने अपनी अम्मी से कहा होगा, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है ना, एसी नहीं है इस घर में, एसी के बगैर तो मैं नींद नहीं आती है, और मैं तो ये सब कुछ अफोर्ड कर नहीं सकता है ना। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ हमजा, मैंने मामा से कुछ नहीं कहा, वो तो अपनी खुशी से सब कुछ लेके आई है, मुझे पता भी नहीं था। जबकि मुझसे मोहब्बत करते और शादी करते वक्त तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं तुम्हें ये लग्जरी नहीं दे सकता है ना। नहीं ये तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस मोहब्बत का तुम दावा करते हो उसमें कोई और शरीक है। मामा मैंने शही को कह दिया है कि वो अपने पेरेंट्स को लेके हमारे घर आ जाए। किससे पूछकर, किसकी इजाजत से? अभी आपको बताया तो था उसने कि उसका एक क्लास फेलो है। तो बीसियों क्लास फेलो हैं इसके,
क्या उन बीसियों को मेरे घर मुझसे पूछे बगैर मेरी इजाजत के बगैर बुला लेगी? मामा बुरी बात है, आपको बेटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आप तो चुप ही रहे प्लीज। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी फ्रेंड के घर में तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या समझ नहीं आया था तुम्हें? वेट, रिश्ता मेरा होना है, शादी मैंने करनी है, तो ये बेहतर नहीं है कि मैं सारे फैसले अपनी खुशी और मर्जी से कर लूं? तुम्हारी खुशी तुम्हारी पसंद, जैसे सोनिया ने की है अपनी खुशी और अपनी पसंद से शादी, जिसके घर में फर्नीचर से लेके कारपेट से लेके फ्रिज तक आज मैं डलवा के आई हूं। कल इसी तरह तुम्हारी पसंद भुगतते हुए तुम्हारे घर में अपना भरम रखने के लिए, अपने स्टेटस का भरम रखने के लिए चीजें डालूंगी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा मामा, और सोनिया ने भी कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। अगर आपके एरोगेंट नेचर को दिखावे का शौक है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड यस, आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी एंड यू शुड एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये राइट मुझे सोसाइटी भी देती है और हमारा मजहब भी। एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। आई डोंट नो व्हाट्स द बिग इशू। देखा आपने, ये नतीजा होता है जब आप बच्चों के सामने मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इसीलिए मना कर रहा था आपको। क्या मना कर रहे थे? उसको मना करना चाहिए था, मुझे क्यों मना कर रहे थे? उसे बताते, हर बात में मुझे मना करने चल पड़ते, बढ़ावा दे देते हैं बच्चों को। हद हो गई, बेटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बेटी को नहीं बता रहे कि मां से कैसे बात करते हैं। समदा ने सड़क के बीच में मेरी गाड़ी रोकी, मेरा गरेबान पकड़ा और मुझे कहा कि मैं एक बीमार शख्स हूं, मैं तुम्हें अजियत देता हूं और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताओ क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? तो फिर उसने मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे वो कौन होता है सड़क पर रोक कर मुझे तुम्हारे और मेरे बारे में सवाल करने वाला? ये हमारी जिंदगी है ना। बस बहुत हो गया है, इस खेल को अब खत्म हो जाना चाहिए। मैं और कितने दिन इस नापसंदीदा बोझ जैसे रिश्ते के साथ गुजारूंगी? बस और नहीं।